नमस्कार दोस्तों, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कहानी का विषय है कुदड़ी में लाल। दीर्घ निश्वासों का क्रीड़ा स्थल, गर्म गर्म आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, कराल काल की सारंगी, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान के लय में करुणा की रागनी बजा करती है। अभागिनी बुढ़िया एक भले घर की बहु बेटी थी। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध हे भगवान कह के चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। नवयुवक देशभक्त कहते थे देश दरिद्र है, खोखला है, अभागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करे, जिस देश का भगवान ही नहीं उसे विपत्ति क्या सुख क्या। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी, मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगा दो, देता कौन जो एक घड़ा जल भी भर नहीं सकती, जो स्वयं उठकर सीधा खड़ी नहीं हो सकती थी उससे कौन काम कराए। किसी की सहायता लेना पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में बैठता ही ना था। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। बुढ़िया की बेटी थी, वह दो पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी। परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उस जन्म में बिल्ली गिरगिट और भी क्या क्या होता है। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्माभिमान का पूर्ण विश्वास था। वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथ से वह अपने लिए पानी भर के रखती, अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और भी 3-4 पैसे उसे चवेनी के जैसे और नौकरों को मिलते थे, मिला करते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे ना तो दुख था और ना सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीज़ों को बटोरे रहना और बैठे बैठे थोड़ा घना जो काम हो करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया। दुकान के और कोई नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उसे डांट देता था। बसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेट कर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट रहती। अपनी कमाई के पैसे से पेट भरकर कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी धूप पर भी लेट रहना किसी किसी के सुखों की संख्या है, वह सबको प्राप्त नहीं। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, उसे संतोष होता। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को बनिए की दुकान में लाल मिर्चे फटकना पड़ा। बुढ़िया ने किसी किसी कष्ट से उसे संवारा, परंतु उसकी तीव्रता वह सहन न कर सकी, उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने कठोर तांबे के पैसे की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। उस बनिया रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? क्या उनके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे दिया करूँगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी। बुढ़िया के गले में कांटे पड़ गए थे, किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के किए इसका पैसा कैसे लूँगी? क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा, हृदय तंत्री के तार कड़े होकर चढ़ गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट ना होगा। बुढ़िया चली आई, उसकी आंखों में आंसू न थे, आज वह सूखे काट सी हो गई।
घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और सुधारने लगी। बेटी ने कहा, माँ यह क्या करती हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी करो। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझता था। उसने समझ लिया कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती थी, जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा। असह्य भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते, उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी, इस अनंत ज्वालामयी सृष्टि के कर्ता, क्या तुम्हें करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, क्या तुम्हें दीनानाथ हो? तुम्हें ने वेदना का विषम जाल फैलाया है, तुम्हें ने निष्ठुर दुखों के सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है अनुभवशील मस्तिष्क। कैसी कठोर कल्पना है निष्ठुर, तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो, मैं चिर पराजित हूँ। सहसा बुढ़िया के शीर्ण मुख पर कांति आ गई, उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। वह हंसी फिर शिथिल होकर लेट रही। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई, वेदना क्लेशहीन अक्षय लोक में उसे स्थान मिल गया। उस महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म करा दिया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अमीरी की बाढ़ में न जाने कितनी वस्तु कहां से आकर एकत्र हो जाती है। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूट गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान, गुदड़ी का लाभ।